तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि प्लेट से सेंटीग्रेड्यूसर किस तरीके से बनाया जाता है। ओके, इससे पहले मैंने आप लोगों को ये देखिए पाइप में मार्क करके कटिंग करके दिखाया हुआ था, आप लोगों को बताया था कि पाइप से हम कैसे सेंटीग्रेड्यूसर बनाते हैं। ठीक है, एसेंटिक मतलब कि जो नीचे का जो हमारा पोर्शन है, यहाँ मैं दिखाता हूँ, ये जो हमारे नीचे का जो पोर्शन है वो बिल्कुल सीधा फ्लैट रहेगा और ये ऊपर का ऐसे झुका रहेगा। ठीक है, तो इसको सेंटीग्रेड्यूसर बोलते हैं। मैंने सेंटीग्रेड्यूसर के ऊपर भी वीडियो जो है बना दिया है पहले ही, और सेंटीग्रेड्यूसर के भी ऊपर वीडियो बनाया हुआ है। तो पहले मैंने पाइप में करके दिखाया, आज मैं आप लोगों को बिल्कुल जो है अगर प्लेट है तो प्लेट से हमें कैसे बनाना है उसके बारे में जानेंगे। तो आइए देखते हैं। तो हमारा जो बड़ा वाला डाया रहेगा, मतलब कि ये वाला यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो वो रहने वाला है 80 mm। और इसी तरीके से जो हमारा छोटा वाला डाया है, स्मॉल डाया, तो स्मॉल डाया रहने वाला है 40, मतलब कि यहाँ से लेकर के और यहाँ तक। ओके, और जो हाइट रहने वाला है, मतलब कि हाइट बोले तो यहाँ से लेकर के और यहाँ तक। ठीक है, ये तो पाइप रहेगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ऐसे स्ट्रेट में हाइट जो रहेगा वो हम लेते हैं यहाँ पे 70 mm। ओके, तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो हमारा बड़ा वाला डाया है उसका हम यहाँ पे एक लाइन खींच लेते हैं 80 mm का। तो यहाँ पे मैं 100 से यहाँ पे 80 mm हमने लाइन ले लिया। ओके, उसके बाद हमें यहाँ पे एक सीधा लाइन खींचना होगा। तो सीधा लाइन कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना है, जैसे मैं आपको समझा देता हूँ, ये हमारा 70 का हो गया। ठीक है, तो हमने यहाँ पे दो पॉइंट मार लिया 70 का। ओके, और यहाँ पे मैं इसको लाइन खींच देता हूँ। ठीक है, ये हमने हल्का लाइन खींच दिया। ओके, और उसके बाद यहाँ पे क्या करना है मैं दिखाता हूँ, रूट अंडर ये जो बड़ा वाला डाया है उसको यहाँ पे हम डालते हैं 80, और उसका स्क्वायर करते हैं, और प्लस जो हमारा ये हाइट लिया है हमने 70, ये डालते हैं और इसका भी स्क्वायर करते हैं, इक्वल करते हैं, 106 mm आया। मतलब कि इस एंड पॉइंट से 106 mm जहाँ आएगा वहीं पे हमारा राइट एंगल आएगा, बिल्कुल 106 mm। तो यहाँ पे आप देखिएगा, ध्यान दीजिएगा 106 कहाँ आ रहा है, तो ये देखिए हमारा 106 यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, यहाँ भी 0 हो गया और 106 यहाँ पर आ गया। ओके, तो इसको मैं सीधा खींच देता हूँ। ठीक है, यहाँ तक 70 mm हो गया, मैं इसको थोड़ा आगे तक ले लेता हूँ क्योंकि अभी हमें ज़रूरत पड़ने वाला। ओके, तो ये हमारा हो गया ऊपर का डायामीटर, ओके 80 mm, और नीचे का हमारा यहाँ पे रहेगा जो कि रहेगा 40 mm। तो यहाँ पे मैं 40 mm का मारता हूँ, पहले मैं एक और यहाँ पे पॉइंट मार देता हूँ ताकि हमें बिल्कुल सीधा मिल जाए पॉइंट। ओके, वैसे तो है ही सीधा, तो यहाँ पर मैं मारता हूँ 40 mm। ओके, तो ये हमारा 40 mm का पॉइंट हो गया। ओके, और अब क्या करते हैं, दोनों को ऐसे मिला देते हैं हम, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को, और ऐसे खींच देते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे आके मिल गया। ओके, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अब क्या करना है आपको, इसके बीच में एक सेंटर पॉइंट मारना है, मतलब कि यहाँ से यहाँ 80 है, तो इसका एक आधा लेके सेंटर पॉइंट मारना है। तो इसका हो जाएगा 40 mm, मतलब यहाँ पे हो गया 40 mm। अब यहाँ पे मैं इसको ऐसे सेट करता हूँ डिवाइडर को, और इधर भी देख लेता हूँ। ओके, और मैं क्या करता हूँ, दोनों साइड से इस तरीके से एक पॉइंट मारता हूँ ऐसे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 40 mm पे एक पॉइंट मार दिया बिल्कुल सेंटर पे। अब हमें ऊपर भी एक पॉइंट मारना है बिल्कुल इसके सीधा में, तो हम क्या करेंगे, सिंपली ये डिवाइडर लेंगे, और डिवाइडर कोई ज़रूरी नहीं है, कितना पे भी रहने दीजिए। ठीक है, इसको ऐसे लेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे सिंपली ऐसे मार देते हैं, कितना पे भी सेट रहने दीजिए डिवाइडर, कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर ऐसे मार देंगे, और इधर से भी एक ऐसे मार देंगे, तो जहाँ पर कट आ रहा है वो हमारा एक पॉइंट हो गया। ठीक है, तो उस पॉइंट से इस पॉइंट तक हम ऐसे लाइन खींच देते हैं। ओके, और इसके बाद क्या करना है, बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे रखना है और यहाँ पे मिलाना है यहाँ पे। ओके, और इधर भी एक बार देख लेते हैं। ओके, और दोनों को ऐसे खींच देना है। ठीक है, उसके बाद सेम यहाँ पे ऐसे रख के एक इधर हमें लाइन मार देना है, और उसके बाद एक यहाँ पे रख के और ऐसे मार देना है। ठीक है,
और उसके बाद ये जो हमारा सेंटर पॉइंट आया है यहाँ पे रखना है हमको डिवाइडर, और इधर मार देना है एक, और नेक्स्ट इधर मार देना है। ठीक है, यहाँ तक तो कोई भी डाउट नहीं होगा आप लोगों को। उसके बाद यहाँ पे हम फिर से इस पॉइंट पे रखते हैं और हम चेक करते हैं यहाँ तक, ओके। और फिर इसको हम ऐसे यहाँ पे ऐसे मिला देते हैं, ओके। उसके बाद फिर हम यहाँ तक आएंगे, ठीक है, और इसको हम ऐसे मिला देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आएंगे और इसको भी ऐसे मिला देंगे, ठीक है। उसके बाद और आगे आएंगे और यहाँ पे ऐसे इसको मिला देंगे। उसके बाद और थोड़ा आगे आएंगे और इसको भी ऐसे मिला देंगे, ठीक है। अब देख सकते हैं तो हमने सभी लाइन को जो है इससे कनेक्ट कर दिया है। और यहाँ पे अब मैं इसका नंबर लिख देता हूँ, तो ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6 और लास्ट वाला 7, ओके। और अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इसको इस पॉइंट से मिलाता हूँ, तो मैं ऐसे लाइन खींच देता हूँ, ओके, इस पॉइंट से मिल गया। अभी इसको भी हम ऐसे करके इस पॉइंट से जो है मिला देते हैं। फ्रेंड्स बिल्कुल ही आसान है, थोड़ा सा आप लोगों को जो है वीडियो को आप लोगों को ध्यान से देखना है, बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ठीक है। और फिर इसको भी हम यहाँ से ऐसे मिला देते हैं और लास्ट वाला को भी ऐसे हम मिला देते हैं, ओके। इतना ही काम है, बस काम हमारा हो चुका है। अब थोड़ा सा इसका जो प्लेट है ये तो हमारा लेआउट हो गया, अब इसी से हम इसका मेजरमेंट निकालेंगे, ठीक है। चलिए अब आपको दिखाते हैं इसका मार्किंग करके। तो मार्किंग के लिए देखिए हमने यहाँ पे